गाइस जीमेल पे आप देखते हो कि आपके पास बहुत सारे स्पैम वाले मेल, यानी कि जिस जिस मेल को आप चाहते नहीं हो कि आपके पास आए, वो मेल आपको आते रहते हैं। और ऐसे मेल भी आते रहते हैं जिन पे आप कभी गए भी नहीं हो, जिस मतलब वेबसाइट, ऐसी ऐसी वेबसाइट से मेल आते हैं जिन वेबसाइट पे आप कभी गए भी नहीं हो, और ऐसी वेबसाइट के भी मेल आते हैं जिन पर आप अपना साइन अप कर देते हो तो उसके भी मेल आते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये सारे मेल को आप कैसे हटा सकते हो अपने अकाउंट से, अपने ईमेल आईडी को कैसे फ्रेश एंड न्यू की तरह रख सकते हो। तो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली तो लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर वीडियो को जरूर करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से शुरू करते हैं। आपको बता दें कि कैसे आप अपने सारे मेल्स को मैनेज कर सकते हो, यानी कि जो आप स्पैम वाले मेल आते हैं बहुत सारे आते रहते हैं, जैसे इंडीड के बहुत सारे, जैसे आपने इंडीड पे कोई अपना अकाउंट बना दिया तो वहां से आपको बहुत सारे कंफर्मेशन वाले मेल आते रहते हैं। आप चाहते हो ना चाहते हो भी आप उनको बंद नहीं कर पाते हो यार, आप बस आता है तो आप डिलीट कर दो। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे उन सारे मेलों को बंद कर सकते हो, कभी भी नहीं आएंगे आपके पास। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस, दिस इज जीतू एंड यू वाचिंग फैमेटिक यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अगर आपके पास भी आते हैं अनवांटेड मेल जो कि आपको ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी आपके ईमेल में आ जाते हैं जिन पर आप वेबसाइट पर साइन अप करो या फिर आप ना जाओ, ऐसी ऐसी वेबसाइट से भी आते हैं, जैसे लॉटरी हो गई, कुछ ऐसे मेल हो गए जो कि आपके एजुकेशन, आप एडमिशन ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कुछ ऑफर्स हो गए, तो ऐसे मेल फालतू के आते रहते हैं। तो इन सबको आप कैसे ब्लॉक कर सकते हो, सिंपली आपको अपना मेल ओपन करना है। जैसे कि मैं अपना ओपन कर लेता हूँ यहाँ से मेल आईडी। सो गाइज, मैंने अपना मेल आईडी यहाँ पर ओपन कर लिया, तो आप देख रहे होंगे इंडीड में मैंने साइन अप किया था इंडीड पे एक बार, तो जब से लेके अब तक मेरे पास डेली के यार कम से कम 50 से 60 मेल इसके आ जाते हैं, यानी कि 10-20 प्लस तो आने ही है इसमें, ठीक है। देख रहे हो आप अभी इंडीड इंडीड भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम इंडीड की बात करते हैं। तो देखिए, इसको अगर आप चाहते हो कि इंडीड का ब्लॉक हो जाए, जैसे कि आपको अभी जॉब की जरूरत नहीं है, आप चाहते हो ये बंद हो जाए इसके नोटिफिकेशन आना, क्योंकि ये फालतू के नोटिफिकेशन होते हैं, काम के कुछ नहीं होते, ठीक है। तो चाहते हो तो सिंपली इसको ओपन करेंगे आप, कोई भी एक मेल इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपको सबसे नीचे आना है। देखिए, सबसे नीचे आने पर यहाँ पर रहता है अनसब्सक्राइब का एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो देखिए ये रहा, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे अनसब्सक्राइब पर, और यहाँ जा करके आप इसको अनसब्सक्राइब कर देंगे, जैसे मैं अभी करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको क्रोम ब्राउजर में लाएगा, वहां लाके ये कुछ ओपन करेगा, वहां पर आपको देखिए यहां पर दिखाएगा अनसब्सक्राइब, यहां पर आके करना होगा आपको। तो देखिए, आपको यहां पर मिलेगा व्हाई डिड यू कैंसिल योर जॉब अलर्ट, ठीक है। तो आप यहां पर एक कोई भी रीजन ले लीजिए, आई फाउंड अ जॉब इंडीड जो भी है, या फिर अदर कुछ भी करके, और यहां पर कुछ लिख दीजिए थोड़ा सा, और यहां से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी कर देता हूं सबमिट, तो मेरा यहां से हो जाएगा ये इंडीड का अनसब्सक्राइब, यानी कि अब कोई मेल नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए आ गया, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, यानी कि आपका मेल जो है सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको, तो आपका इंडीड का अनसब्सक्राइब तो हो गया, बट फिर भी अगर बाई चांस इसके मेल आते हैं तो इसमें एक ऑप्शन और रहता है, जैसे कि आपको यहाँ तीन डॉट पर क्लिक करना है मेल को खोलने के बाद में, एंड यहाँ पर देखिए स्पैम एंड रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, ठीक है। क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अगर ये अनसब्सक्राइब करने के बाद भी आपके पास मेल आ जाता है तब आपको ये ऑप्शन करना है, ठीक है। तो सिंपली इस पर स्पैम पे एंड रिपोर्ट पे इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर कोई भी एक रीज़न डाल करके आप यहाँ से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरा रिपोर्ट कर दिया मैंने, अभी इस पर मेल मुझे नहीं मिलेंगे, ठीक है, इंडीड के, ठीक है। और मान लीजिए देखिए, जैसे टर्म पॉलिसी बाजार के आ रहे हैं मेरे पास, जबकि मैं इस पर कभी गया भी नहीं इस साइड पर, इस साइड के फिर भी मेरे पास मेल आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो कभी इस साइड पर गया भी नहीं पॉलिसी बाजार वाले पे। लेकिन इसको कैसे आंसर, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है टू स्टॉप रिसीविंग दिस ईमेल, यानी कि इस ईमेल से जो मेल आ रहे हैं उनको आप स्टॉप करना चाहते हो, तो यहाँ पर सिंपली क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से ये आपके स्टॉप हो जाएंगे। तो ये भी इसका आसान सा तरीका है। अगर फिर भी इस से भी आते हैं तो आप स्पैम एंड रिपोर्ट पर जा करके वहाँ से इसको भी रिपोर्ट कर दीजिए, तो ये परमानेंटली आपके यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन हो गया। तो देखिए यहाँ मैंने डाला यहाँ से अनसब्सक्राइब करने के लिए, तो देखिए मेरे यहाँ से हो गया थैंक यू लिखा आ गया, तो यानी कि यू हैव सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम द अनसब्सक्राइब, यानी कि सब्सक्रिप्शन लेट्स यू विल नो लॉन्गर हेयर फॉर्मेट, जैसे अब कोई आपको मेल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको जो मेल आपको नहीं भी आते हैं, तो जैसे कि मेरे पास देखिए और भी हैं, देखिए ये मेरे पास आया हुआ है गूगल क्लाउड से, ठीक है। तो ये सब तो मान लीजिए आपको जो है गूगल पे आप रहते हो तो वहाँ से आते रहते हैं, अगर इनको भी चाहते हो तो इनको भी, ये भी बंद हो जाएंगे, इसमें भी अनसब्सक्राइब का ऑप्शन रहता है। जैसे कि किसी भी मेल को ओपन करेंगे, नीचे चले चले जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कहीं आपको देखना होगा, ठीक है, मैनेज सब्सक्रिप्शन इस पर जाना होगा, यहाँ जाकर आपको अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इससे भी हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि आप अपने अकाउंट को मैनेज, ये तो हो गया सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब करना, ठीक है, या फिर स्पैम रिपोर्ट करना। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे आपके एक तरीके के मेल हैं और आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास इंडीड के बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख रहे होंगे मेरे यहाँ पर प्रोफाइल पर पूरे में इंडीड इंडीड भरा हुआ, तो मैं चाहता हूँ यार मेरा मेल क्लियर करना है मुझे, तो सिंपली यहाँ पर आपको या तो जो ईमेल आईडी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे हमारा इंडीड है,
तो इंडीड की आपको ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी मिल जाएगी इंडीड की ये वाली, ठीक है। इसको आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है इस तरीके से, यहाँ पर आप क्लिक करके रखेंगे थोड़ी देर तो यहाँ से आपका कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, ये हो गया हमारा कॉपी। एंड यहाँ से आपको बैक आना है और सर्च में आपको यहाँ पर डाल देना, तो आपका यहाँ पर जो मेल है वो इससे रिलेटिव जो भी मेल है वो आपके यहाँ खुल के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने सर्च किया तो देखिए जितने भी इंडीड से मेल थे वो आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब सिंपली आपको क्या करना होगा, सभी को सेलेक्ट कर लेना है एक एक करके, या फिर आपको ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है इनको। तो इस तरीके से आपके डिलीट हो जाएंगे। वरना एक ऑप्शन और है, जैसे कि आपको नाम पता है कि किस नाम से वो मेल आता है, जैसे मेरा इंडीड से आता तो मैं सिंपली यहाँ पर इंडीड लिखूंगा और सर्च करूंगा तो जितने भी मेरे इंडीड से अब शुरू से लेकर एंड तक जितने भी मेल आए सारे की लिस्ट आ जाएगी एक एक करके, या फिर आप और कंप्यूटर में कर रहे हो तो यहाँ पर एक एक होता है, मोबाइल में कंप्यूटर में ऑल सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से ऑल सेलेक्ट करके आपको यहाँ से डिलीट कर देने, ठीक है। तो आपके इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना जो मेल आप मैनेज कर सकते हो, और बार बार जो आपके साथ आपके पास अनवांटेड मेल आते हैं उनको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो बहुत ही इजी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया हो कैसे कैसे आपको मेल को अपना स्टॉप करना है, जो भी आपके पास अनवांटेड मेल आते हैं, ठीक है, सारे के सारे को भी स्टॉप कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना ये तो आपको पता ही, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर देना, ठीक है, वीडियो को, क्योंकि शेयर करना यार थोड़े व्यूज़ वगैरह आते रहते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब वीडियो का कंटेंट हम ढूंढते हैं और उस पर व्यूज़ भी ना आए तो मज़ा नहीं आता, इसलिए आपको जो शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, एक हर एक व्यूअर को एक अपने व्हाट्सएप फ्रेंड में एक ग्रुप में तो आप शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक है। तो और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते इस वीडियो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।